ये 65 की है. 65 ओनली ओनली. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सी तरान में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है. आज हम फिर से दुर्ग में तिरुपति मोटर्स करके है, प्रॉपर्टी डीलर्स का भी काम करते हैं और साथ ही ये शॉप आपको ये जस्ट इधर जेल रोड बोलते हैं, इधर आप इधर सेक्टर एरिया जा सकते हैं और एक है इधर रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं. तो पूरा डिटेल्स आपको भैया के थ्रू बताने वाले हैं और साथ ही यहाँ स्टार्टिंग प्राइस क्या है, मॉडल कौन सा है, ओनर कौन सा है और क्या बेनिफिट्स है, फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं, पूरा बताने वाला हूँ. एंड तक देखना वीडियो को. अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि 94% हमारे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना. साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आई डी नंबर है चित्राम 12345 और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कीजिए, वहाँ मेरा वीडियो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है. तो वहाँ ब्लॉग चित्राम सर्च कीजिए, फेसबुक में भी आपको पहले वीडियो देखने को मिल जाएगा. चलो तो भैया के थ्रू पूरा डिटेल्स लेते हैं. और भैया सब बढ़िया? सब बढ़िया. वेलकम माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. और बताइए कैसा रहा रिस्पांस वगैरह, कुछ आ रहा है? ठीक ही है. ठीक है ना? ठीक है. तो इस बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. और स्टार्टिंग क्या है आज प्राइस में? प्राइस में स्टार्टिंग है आपकी, ये डस्टर है. हाँ, डस्टर 2013 की है. अच्छा. सिंगल एंडेड गाड़ी है. हाँ. 425 इसका रेट है. अच्छा, 425. हाँ, गाड़ी बहुत अच्छी है. ये अप्रोक्स 83-84 समथिंग चली है. अच्छा, 83. पासिंग है CG10 बिलासपुर. CG10 बिलासपुर पासिंग. अच्छा, और फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं? हाँ, फाइनेंस सुविधा हो जाएगा ना. स्टार्टिंग कितना देना पड़ेगा? स्टार्टिंग तो जब डीलिंग होती है तब समझ में आता है. अच्छा अच्छा, सामने वाला कस्टमर. हाँ, उसको कितने की जरूरत है, कितने की नहीं है. अच्छा अच्छा, उसके हिसाब से. और ये अंदर एसी वगैरह पूरे ऑन है? सारी सारी फुल्ली लोडेड गाड़ी है. एयरबैग्स वगैरह कितने? एयरबैग्स सर इसमें नहीं है. इसमें नहीं दिया है? नहीं नहीं. मॉडल कौन सा बताया थे? ये 13 की है. 13 की मॉडल. टायर्स वगैरह तो देखना नहीं पड़ेगा एकदम, सब बाकी अप टू डेट है. अच्छा, इंटीरियर देख लो, आउटर देख लो. हाँ हाँ हाँ. और क्या बोलते हैं, इसमें एसी वगैरह पूरे टोटल ऑन है? सब सब. अच्छा, सारे चीज कंप्लीट है. देख सकते हैं इसका पूरा अंदर से सीट कवर जो ओरिजिनल लग रहा है रेनॉल्ट का. अच्छा, रेनॉल्ट का. हाँ. जैसे कोई आ रहा है YouTube के माध्यम से तो कुछ बेनिफिट मिलेगा उसको? हाँ, प्राइस वगैरह में बिल्कुल बिल्कुल जो ट्राई बेस्ट होगा. ये डीजल वेरिएंट में आता है ना? इसमें डीजल वेरिएंट है ये. अच्छा, इसके बाद कौन सा दिखाने वाले? इसके बाद नेक्स्ट ये है भैया, ये वाली. ये 2015 की यौन है. अच्छा, है ना? हुंडई. यस, हुंडई. कौन सा 15 का मॉडल? कितना चला होगा 15 की? ये चलिए समथिंग 78 समथिंग. अच्छा, 78 समथिंग. ओनर कौन सा होगा? ये ऑनर सिंगल या सेकंड है? अच्छा, सेकंड ऑनर. अच्छा, याद नहीं है. पासिंग तो रायपुर है. रायपुर है. गाड़ी बहुत अच्छी है. अच्छा, फुल्ली लोडेड. इंटीरियर से अब न्यू डला हुआ है. अरे, पावर विंडो वगैरह सब दिया रहता है? पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी सब ऑन है. सब 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 कंप्लीट. इसका क्या है प्राइस? ये आपकी है 270 की. 2,70,000. न्यू में क्या पड़ता होगा? न्यू में समथिंग 450 करीब करीब आती थी. 450 के करीब करीब. अभी तो शायद ये अभी मिल रहा है कि टॉप नहीं, नहीं, अभी चेंज हो गया है. चेंज हो गया ना इसमें? अच्छा, इसके टायर्स वगैरह तो पूरे कंडीशन सब ओके है? वेल कंडीशन है, गुड कंडीशन है. अच्छा, और इसके बाद कौन से है अभी? नेक्स्ट आपका ये i10 है. i10. ये कौन से मॉडल है? ये 2009 की है. हाँ, ये 190 इसका प्राइस. 190 फुल लोडेड है ये. मैग्ना है. अच्छा, 1.2 कापा. हाँ. ये ओनर कौन सा होगा? ये भी ओनर फर्स्ट या सेकंड है? अच्छा, फर्स्ट या सेकंड ओनर है. एग्जैक्ट याद. चला कितना होगा ये? ये चली है 65 और 7 चली है. अच्छा, 65 या 70 के आस. हाँ, टायर्स वगैरह इसके भी देखने नहीं पड़े? जरूरत नहीं. चारों सीएट के टायर्स लगे के? हाँ हाँ. पासिंग कहाँ का होगा? CG12. ये आपका चापा, ए सॉरी कोरबा. कोरबा में आता है CG12 है ना? CG12 कोरबा.
बाकी कहीं से टचअप वगैरह नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं, सब बढ़िया है पूरा। ओके, इसमें कुछ खर्चा नहीं है ना? कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, नहीं, नहीं आएगा लेके जाएगा, बस पेट्रोल डाले और चलाने। एक वाशिंग, एक वाशिंग होनी है, वो हम करा के देते। अच्छा, आप करा के दो। हाँ, वाशिंग को हम करा के देते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं ये स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर, हाँ हाँ, ये 2009 की, ये भी 2009 का मॉडल की है। कौन सा ओनर, कौन सा ये? सेकंड, सेकंड ओनर, सेकंड ओनर। डीजल वेरिएंट में? डीजल वेरिएंट, डीजल है। कितना चलोगे ये? चली है 92 और 90 करीब करीब चली है। अच्छा, 19 के आसपास ही है लगभग। पासिंग है रायपुर, रायपुर। बाकी इसमें कुछ? कुछ भी नहीं, सब बढ़िया है। ये भी सब बढ़िया है, कोई काम नहीं करा। सभी गाड़ी में फाइनेंस की सुविधा है ना? सभी गाड़ी। और स्टार्टिंग का भी क्या है और क्या होता है? हाँ। जो आपका फाइनेंस है ना, हाँ, आज के डेट पे जो चल रहे हैं दौर। अच्छा, अभी सिलेक्टेड पीस को वो फाइनेंस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो कोरोना के लिए है, हाँ, ना, तो वो फाइनेंस पार्टी पे डिपेंड करता है। अच्छा, पार्टी तो पे उनका रेपुटेशन कैसा है, उनका प्रोफाइल कैसा अच्छा, है। अच्छा अच्छा अच्छा, तब वो फाइनेंस हो पाता है। अच्छा, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए रहेगा, जो अच्छे हैं, जिनके फाइलिंग सही रिकॉर्ड ठीक है, उनको हो जाता है। अच्छा, और वैसे भी 10 के बाद ही 2010 मॉडल से स्टार्टिंग होता है, वो तो है। लेकिन अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है तो 9 को भी कर देते हैं। क्या क्या ये सारे चीजें? पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम। अच्छा, फुल्ली लोडेड। इसमें एयरबैग नहीं लगा होगा? इसमें एयरबैग नहीं आया होगा, है ना? हां, बाकी पीछे तो सब ओके है। टचअप वगैरह कहीं से हुआ है? देखिए, टचिंग तो छोटा मोटा कहीं भी रहता है, छोटा मोटा, है ना, वो एक अलग चीज है। बाकी गाड़ी अच्छी है, गाड़ी अच्छी ना। इसके बाद देखते हैं इंडिगो है क्या? ये इंडिगो है टाटा की। हाँ, पासिंग दुर्ग लोकल। हाँ, ये 2015 की है। 2015 की है। हाँ। अच्छा, ओनर कौन सा होगा? ये सिंगल ओनर, सिंगल ओनर है। कितना चल गया होगा ये? मेरे ख्याल से 75-80 करीब करीब चली। 75-80 के करीब करीब। अच्छा, और इसमें टायर्स वगैरह तो अभी देखना नहीं पड़ेगा? ठीक है, पीछे के तो और अच्छे हैं शायद, है ना? हाँ हाँ। और इसमें क्या क्या भी है? इसमें भी टॉप मॉडल ही है, ये टॉप मॉडल है। हाँ, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंट्रल लॉकिंग। ये डीजल में क्या सिस्टम सब लगा हुआ है? पेट्रोल वेरिएंट है ना ये? डीजल, डीजल वेरिएंट। ये डीजल, ये डीजल, ये भी डीजल में। हाँ। अच्छा, बाकी लगभग अभी 5 कारें देख ली हमने, अभी इसके बाद देखते हैं। ये है सफारी, सफारी टाटा का। इसका सेलिंग तो जल्दी होता होगा? हो जाता है जल्दी, हो जाता है ना जल्दी। रायपुर पासिंग है, मॉडल कौन सा भी? ये 2012 की है, 2012 का है। ओनर कौन सा होगा? सिंगल, सिंगल ओनर। कितना चल गया होगा? सिंगल सेकंड समथिंग। अच्छा, से याद नहीं। अच्छा, अच्छे से याद नहीं है, हो सके डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा भैया का, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पता नहीं रहता, वीडियो देखोगे साइड में डिस्क्रिप्शन का नीचे दिया रहता है, उसमें नंबर मिल जाएगा तिरुपति मोटर्स करके शॉप का। एक बार लैंडमार्क भी बता दीजिए। तिरुपति मोटर्स बिहाइंड जेल, जेल, जेल रोड, दुर्ग जेल रोड। जैसे स्टेशन से आएंगे कितना पड़ेगा? स्टेशन से समथिंग 3-4 किलोमीटर समथिंग। 3-4 किलोमीटर। इसका बताइए डिटेल। ये 2012 की है, टाटा सफारी डाइकोर 2.2 VV। अच्छा, है ना, तो ये अपना टाटा सफारी गाड़ी पूरी अच्छी है ये भी। हाँ। इसमें भी कोई काम नहीं है। हाँ। छोटा मोटा काम रहता ही है 19-20 का, वो जो हो जाएगा हो जाएगा। हाँ। बाकी कितना चला होगा ये? ये भी चली भी 90-20 करीब करीब चली है। अच्छा, 90 के करीब। हाँ। अच्छा, और इसमें क्या क्या अंदर? सारी चीजें फुल्ली लोडेड गाड़ियाँ हैं ये भी। अच्छा, सब चीजें इसमें, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो। इसके बाद और कौन सा कार है? इसके बाद फिर नेक्स्ट उधर चलते हैं। अच्छा, इसका बताइए डिटेल। ये 2010 की एसेंट है। अच्छा, 2010 मॉडल। ओनर कौन सा होगा? ये सेकंड ओनर है, सेकंड ओनर है। 2010 मॉडल। इसका तो बहुत डिमांड रहता है, बहुत डिमांड है, बहुत अच्छी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी। हां हां, लग्जरी में आता है, ले लग्जरी मॉडल है, सेडान में। अच्छा, ये डीजल वेरिएंट? पेट्रोल, पेट्रोल वेरिएंट। पेट्रोल। कितना चला होगा समथिंग? ये 68 चली है, 68 रनिंग हो गया। पासिंग कहां है? रायपुर, रायपुर। और बाकी अंदर में क्या दिया हुआ है? फीचर, सारी चीजें सभी है, सभी है। एसी वगैरह, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम। कैमरा वगैरह नहीं आता था उस टाइम? बैक कैमरा लगा हुआ है, लगा है कि इसमें? लगा हुआ है। अच्छा, लगा हुआ है। हाँ। बाकी सब ओके इसमें? हाँ हाँ, इसका कंडीशन अच्छा लग रहा है। कार भी बहुत कमेंट आ रहा था, तो शायद इसमें आपको मिल जाए, नंबर जरूर है, कॉल कर लेना इसमें, साथ ही आपको नंबर बोल दीजिए एक बार। 9111-5456-17। अच्छा, ये भैया का, आपका नाम मुख्तार? मुख्तार, मुख्तार करके है, कॉल कर लेना। ये वाला व्हाइट कलर में बहुत डिमांड है इसका। और इसके बाद देखते हैं वैगनर, ये लोकल दुर्ग पासी। ये 2010 की है, 2010। कितना हुआ रनिंग? ये VXI टॉप मॉडल है। अच्छा, VXI टॉप मॉडल में। हाँ।
टायर्स वगैरह पूरे ओके हैं, ठीक है, इंटीरियर सब अच्छे हैं, पूरा ओरिजिनल सब लगा, सब रनिंग समथिंग 80-82 ऐसा। अच्छा, और ऑनर कौन सा होगा? ये ऑनर सेकंड होनी चाहिए, अभी सेकंड ऑनर, सेकंड थर्ड होगी। इसका क्या प्राइस? ये प्राइस है आपका 190। अच्छा, स्टार्टिंग यहाँ अभी 190 से स्टार्ट है, और उसका प्राइस क्या था? इसका इसका 2,5,00,000 5,000। और सभी जितना देखे मैक्सिमम कितना कितना होगा? देखिए, ढाई की भी है, टाटा का साढ़े तीन की भी, वो 3,00,000 की है। 3,00,000 की टाटा है। स्विफ्ट का? स्विफ्ट का 2,50,000 है। अच्छा, इंडिगो का 190 बताए थे क्या? नहीं, इंडिगो 190 नहीं, आई टेन एक नब्बे। और इंडिगो का? इंडिगो 230। 2,30,000। अच्छा, इसके बाद कौन सा देखेंगे? ये वाला। इसके बाद ये इंडिगो। ये कौन सी मॉडल? ये 2010 की, 2010 मॉडल। कितना चला होगा ये? मीटर तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, यही चलिए 75-80 करीब करीब। अच्छा, ओनर कौन सा होगा? ये ओनर सेकंड ओनर है। सेकंड है ना, फर्स्ट है ये, सेकंड ओनर है। इसका क्या प्राइस? ये 1,50,000। 1,50,000 में मिल जाएगा? 1,50,000 बोल रहे हैं जो नेगोशिएबल आने के बाद ट्राई बेस्ट करेंगे अपन। पासिंग लोकल दुर्ग? हाँ, लोकल। चारों टायर नए है? नए टायर, चारों टायर नए। नए? अच्छा, जिसमें नए लगे पूरा नया ही है इसमें। अच्छा, पूरे नए इसमें। इसमें साथ में बीच बीच में आपको वीडियो में देखने को मिलेगा इसका कंडीशन अंदर का कैसा है। तो इसके बाद कौन सा दिखाएंगे भैया? इसका भैया, ये भैया कमर्शियल में है, अपनी बोलेरो एफबी है। अच्छा, है ना। और ये भी मैक्सी ट्रक में आता है? एफबी, एफबी मैक्सी ट्रक अलग होती है, छोटी रहती है, छोटी होती है, बड़े डाले वाले, बड़े डाले वाले। अच्छा, इसका डिमांड ज्यादा होता है। हाँ, इसका डिमांड लंबे में। हाँ, लंबी गाड़ी है। मॉडल ये 2012 की है। अच्छा, 4,00,000 का प्राइस है इसका। गाड़ी ऑल कंप्लीट है, चारों टायर नए लगे हुए हैं, न्यू ब्रांड है, ऑल कंप्लीट गाड़ी है, पूरी कुछ नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। ये कितना चला होगा? ये भी समथिंग करीब करीब चली है 90-90 करीब करीब चली है। अच्छा, 90-1,00,000 के आसपास, 1,00,000 के आसपास ही है। अच्छा, ओनर कौन सा होगा? ये भी शायद सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर। पासिंग कहाँ के? चापा। अच्छा, जांजगीर चापा। हाँ। अच्छा, इसके बाद देखेंगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ये कौन सा भी है? स्कॉर्पियो मॉडल ये 11th लास्ट की है ये। अच्छा, लास्ट की है, दिसंबर उसंबर की है, मतलब 12वां कहीं समझ लीजिए, तकरीबन 12 की है, 12 का। हाँ। ये डीजल वेर? डीजल, डीजल। कितना चला होगा ये भी? चलिए भैया 80-90 के करीब करीब। 80-90। इसका पासिंग कहाँ का आता होगा? ये अंबिकापुर, अंबिकापुर पासिंग है। अच्छा, 15 अंबिकापुर में आता है, अंबिकापुर। और इसका अंदर का फीचर्स? सब ठीक है, बढ़िया है। इसमें दिया है तो कैमरा नहीं देता ना इसमें? तो नहीं नहीं, इसमें लगवाना पड़ता है, चारों टायर ब्रांड न्यू डले। चारों टायर नए हैं, ब्रांड ना, ब्रांड। हाँ, इसको आप जरूर बताना, ये 100 मीटर भी नहीं चले। अच्छा, हाँ, डले मतलब यही है, खड़े हैं, चला कहीं नहीं है, चली कहीं नहीं है, गाड़ी यही खड़ी हुई है। अच्छा, अभी और आपके पास इसका प्राइस क्या रखे? ये आपकी है 440 की। 440। अच्छा, इसके बाद कौन सा दिखाएंगे? विस्टा। विस्टा है, इसका भी है, ये स्विफ्ट 2009 की है, 2009 VDI। और इसका प्राइस 2,00,000 रुपए है। 2,00,000 प्राइस। हाँ, कितना चला होगा ये? ये भी चली है 1992 करीब करीब चली है। अच्छा, 1992 के करीब। ओनर कौन सा होगा? ओनर सेकंड या थर्ड है भैया? सेकंड या थर्ड। हाँ, शेड के टायर्स लगे हैं ना? लगे हुए हैं, पूरा टायर्स ओके हैं। और अंदर में क्या क्या दिया? इंटीरियर बढ़िया है, चारों पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, और ओरिजिनल है सभी अंदर का। हाँ, ओरिजिनल। म्यूजिक सिस्टम ऑन है पूरा? म्यूजिक सिस्टम चेक करना पड़ेगा भैया, पूरी गाड़ी का तो ध्यान दे नहीं पाते हैं, मोस्टली स्टार्ट रहते हैं, मतलब स्टार्ट रहते हैं। वो तो सामने वाला जब लेगा तो आप जैसे कस्टमर डिमांड करेगा रेडी करके दे, जो भी बेस्ट होगा अपन करवा के देते हैं। इसके बाद देखेंगे विस्टा। विस्टा भैया ये 2010 की है, ये 65 की है। 65 ओनली? ओनली। अच्छा, कितना चल गया? ये भी समथिंग चली है 80-90 करीब करीब चली है। 80-90 के करीब। अभी तो इसका मॉडल बंद हो गया होगा ना? हाँ, मॉडल बंद हो गया है। ओनर कौन सा है? चेंज करके दिया, वेरिएंट चेंज कर दिया है। अच्छा, ओनर कौन सा? ये ओनर मेरे ख्याल से ये भी सेकंड होनी चाहिए, सेकंड ओनर है। चारों टायर सही है, शॉर्ट है, अंदर की पूरा कंडीशन ऑन है। हाँ, ठीक है, चालू कंडीशन में है ना? चालू कंडीशन में। अच्छा, छोटे मोटे कार है, टायर वायर के काम है, तभी इस प्राइस में मिल रही है। अच्छा अच्छा, छोटे मोटे काम है, 65,000। बाकी इंजन, एसी, हाँ, सब चालू, सब चालू है, रनिंग कंडीशन की गाड़ी। अच्छा, रनिंग कंडीशन। और ये इसके बाद ये वैन सेलिंग के लिए? सेलिंग के लिए ही है, वो 55 की है। 55 मॉडल, 2000 मॉडल है।
2000 मॉडल है। अच्छा, अभी उसका फिटनेस वगैरह तो वही उसी का थोड़ा सा काम है, इसी के लिए उसको। अच्छा, जिसको चाहिए बिना फिटनेस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो 5-10 हज़ार पेपर में काम है करवा ले अपना। अच्छा, मॉडल कौन सा बताया था? 2000 है। रनिंग वनिंग का तो अभी बंद चालू, रनिंग गाड़ी है। नहीं, अंदर रनिंग कितना हुआ होगा? रनिंग का एग्जैक्ट याद नहीं। हाँ, वही बोल रहा हूँ। और कुछ बोलना चाहेंगे भैया? भैया देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीजें जो है आपको हमने दिखाई है बताई है, जो बेस्ट से बेस्ट हो जाए हमारा ट्राई बेस्ट हम करते हैं। हाँ। और कस्टमर को हमारा जो भी अगर अच्छा लगता है, हाँ, चीज वो ले तो हम उनको सपोर्ट करते ही हैं। अच्छा। जैसा जो हो जाए, हाँ, प्राइस में हो जाए या उनके कामों में हो जाए, जैसा भी है। सभी कारों में नेगोशिएबल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी में ना, सभी गाड़ियों में। अच्छा, जो बेस्ट हो जाए अपना ट्राई बेस्ट करवाते ही। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरा आईडी नंबर है 1234। तो चलो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।